हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज। मेरा नाम है रायन मालवी। सामाजिक क्षेत्र की पहल में आज हम कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बात करेंगे जिनके माध्यम से भारत सरकार निरंतर सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रयास करती रहती है ताकि उनका हर एक क्षेत्र में विकास हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहली योजना जिसका नाम है वाहन स्क्रैपिंग नीति। वाहन स्क्रैपिंग नीति को 25 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। यदि हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना। अब आइए समझते हैं इस वाहन स्क्रैपिंग नीति को। इस वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को बंद करना इसका मुख्य उद्देश्य है, साथ साथ इन पुराने वाहनों को कबाड़खाने में पहुँचाना ताकि कबाड़खाने का भी क्या हो कारोबार में इंक्रीमेंट हो, कारोबार बढ़े उनका, और पुराने वाहन जिससे दुर्घटना हो सकती है उन्हें भी बंद करने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से हम वाहन स्क्रैपिंग नीति को समझ सकते हैं कि 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना, साथ साथ जो पोल्यूशन इनसे हो रहा था वो भी कम होगा, और कबाड़खाने तक ये पहुँचेंगे तो कबाड़खाने का बिजनेस भी इंक्रीज़ होगा और इनसे होने वाली संभावित जो दुर्घटनाएँ हैं वो भी नहीं होंगी। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड योजना की हम बात करें तो इस योजना को 3 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार यह योजना इसलिए लेकर आई थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राजनीतिक दलों का जो पैसा उन्हें मिला है वह काला धन तो नहीं है, इसलिए सरकार यह योजना लेकर आई। ठीक है, अब यदि किसी व्यक्ति को या किसी को भी किसी राजनीतिक दल को पैसा देना है तब क्या होगा? तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? SBI बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड वह खरीद सकते हैं और पार्टी में फंड दे सकते हैं। तो इस प्रकार से चुनावी बॉन्ड योजना सरकार लेकर आई। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना 9 अगस्त 2017 को लॉन्च की गई। यदि हम इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दी जाती है। आइए समझते हैं इस योजना को। इस योजना मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए बनाई गई हैं। इसी अल्पसंख्यक लड़कियां जो ग्रेजुएट हो चुकी हैं वह इस योजना के लिए क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है और उनको इस योजना के तहत 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है एंटी नारकोटिक्स योजना। एंटी नारकोटिक्स योजना को अक्टूबर 2004 में लॉन्च किया गया था। आप समझते हैं इस योजना के उद्देश्य को। इस योजना का उद्देश्य है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकना। यदि हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत दवा की नकली और अवैध खपत को रोका जाएगा, साथ ही साथ अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अवैध चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकने में इस योजना के माध्यम से मदद मिलेगी। जो भारत के युवा हैं उनको भी क्या होगा? इस योजना के माध्यम से उनके बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकेगा और भारत के युवा जो नशीली दवाएँ हैं इनसे भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, शॉर्ट में इसको मनरेगा भी हम कहते हैं। इसे 2005 में लाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आइए समझते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा को। यदि हम इस योजना की बात करें तो यह केंद्र सरकार की रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। ठीक है ना, इसके तहत गारंटी के तौर पर रोजगार दिया जाता है। मनरेगा देश के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या नरेगा लाभार्थी द्वारा की जाने वाली कार्यों की सभी डिटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक लाभार्थी के लिए नया जॉब कार्ड तैयार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो पात्र है वह इस मनरेगा के लिए अप्लाई कर सकता है और इसके द्वारा वह जॉब भी पा सकता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
वर्क करता है। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है ई बस्ता प्रोजेक्ट। ई बस्ता प्रोजेक्ट को अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था। यदि हम इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जो डिजिटल कंटेंट है एजुकेशन के लिए उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। आगे समझते हैं ई बस्ता प्रोजेक्ट को। यह एक ऑनलाइन डिजिटल मंच है जहां पर सभी शिक्षक प्रकाशक छात्र ई लर्निंग के लिए साथ आते हैं। बस्ता मतलब होता है बैग, जिसमें सभी बुक्स होती हैं, सभी किताबें होती हैं जहाँ से स्टूडेंट लर्न कर सकता है। ठीक वैसे ही जो ई बस्ता है वह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उसको एजुकेशन के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वह सभी चीज़ें इस ई बस्ता प्लेटफॉर्म पर उसे मिल जाती है। या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटल कंटेंट होते हैं जो कि टीचर्स के थ्रू अवेलेबल होते हैं, जो प्रकाशक पब्लिशर्स होते हैं उनके थ्रू अवेलेबल होते हैं, साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट भी इनके माध्यम से लर्न कर सकते हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकीकृत बिजली विकास योजना, IDPS इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इस योजना को 18 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। यदि हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी को 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध कराना है। मतलब जो बिजली की उपलब्धता है वह हर एक व्यक्ति को दी जाए, न केवल हर एक व्यक्ति को दी जाए बल्कि 24 घंटे 7 दिन बिजली की उपलब्धता हो, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग योजना। नीति आयोग योजना 1 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई। यदि हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाना, मतलब भारत में जो राज्य सरकारें हैं उनको किस प्रकार से आर्थिक नीति बनाना है इसके लिए सरकार ने यह नीति आयोग लेकर आई। यदि नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस नीति आयोग ने 65 वर्षीय जो योजना आयोग था इसको प्रतिस्थापित किया था। तो इस प्रकार से आज हमने 8 योजनाओं के बारे में समझा। पहली थी वाहन स्क्रैपिंग नीति, है ना। वाहन स्क्रैपिंग नीति में 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना इसका मुख्य उद्देश्य था और पॉल्यूशन को कम करना। नेक्स्ट हम देखा चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड योजना मतलब जो पार्टियों को फंड मिलता है वह काला धन तो नहीं है, इसके लिए यह चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई। थर्ड हम देखा प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना, जो अल्पसंख्यक लड़कियां हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए योजना बनाई गई। एंटी नारकोटिक्स योजना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए योजना लाई गई। नेक्स्ट हम देखा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह योजना ग्रामीण लोगों को 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार देने के लिए लाई गई। ई बस्ता प्रोजेक्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटल कंटेंट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम देखा एकीकृत बिजली विकास योजना IDPS, इसके तहत 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई गई। नेक्स्ट हमने देखा नीति आयोग, इसने क्या किया है, जो पुराना योजना आयोग था इसको प्रतिस्थापित किया और इसके तहत राज्यों की आर्थिक नीति बनाने में मदद मिलती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।